कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो पांच सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? पांच। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। पांच सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठे का भोजन मतलब फलहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाए। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर लें, 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो, पशुपति नाथ के नाम से अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ, प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए।